डे वन और टू की प्रैक्टिस आपने की होगी तो ये आप आसानी से कर पाओगे। तो जो भी डे वन और टू का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। हम ये लाइनें फिक्स मशीन में ही बनाएंगे। जो हमारा स्टिच दो नंबर पे हमने फिक्स किया था उसी नंबर पर ये लाइनें बनाएंगे, और इसको हम सिंपल स्टिच से नहीं करेंगे, वो बड़ा वाला स्टिच से ही हम ये लाइनें फिलअप करेंगे। इस तरीके से हमने ये फिक्स मशीन दो नंबर पे करके ये लाइन हमने बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पाओगे कि मैंने ये जो पहली लाइन है वो बड़ा सा कर्व लिया हुआ है, और ये जो सेकंड नंबर की लाइन है उसमें मैंने थोड़ा सा छोटा कर्व दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करोगे तो आप बारीक से बारीक अगर कर्व होगा तो वो भी कर पाएंगे और बड़ा वाला भी कर पाएंगे। तो जब भी प्रैक्टिस कीजिए तो बड़े से कीजिए, क्योंकि अगर हमें नहीं आता है तो हम ये जो छोटा वाला कर्व है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फ्रेम का मूवमेंट जल्दी जल्दी आ जाता है। और जब हम ये बड़े से लेके छोटे तक जाएंगे तो हमारा ये जो हाथ है वो बैठ जाएगा डिज़ाइन के ऊपर, और हम फ्रेम जो है वो मूव करने की प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो जब भी प्रैक्टिस कीजिए, बिगनर है तो आसान काम से लेके कठिन काम की तरफ ही जाएंगे। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमें पहले ही अगर हम ये करने जाएंगे तो शायद हमें देर लग जाए सीखने में, पर आप मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से जाओगे तो आसान तरीके से एम्ब्रॉयडरी सीख पाओगे। तो हम करते हैं ये दूसरा लाइन। आपको जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो आपको ये देखना है कि मैं ये फ्रेम है वो किस तरीके से मूव कर रही हूँ और मेरा जो मशीन है वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जब भी हम मशीन में हमने स्टिच तो बड़ा फिक्स करके रखा है तो उसमें तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है, वो तो जितना लेगा उतना ही लेगा। पर हमें ये देखना है कि हमारी जो ये सुई है वो लाइन के इस तरफ भी उतनी ही चलनी चाहिए जितनी इस तरफ चलती है। तो ये बात का आप ध्यान रखोगे तो आप परफेक्ट एम्ब्रॉयडरी कर पाओगे। अब हम तीसरी लाइन पे आएंगे जो इससे भी छोटा कर्व है। और जब भी हम मशीन सीख रहे हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपका जो प्रेशर फुट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आपसे प्रेस हो जाता होगा। तो यहाँ पर आपको पेशेंस से काम लेना है कि पहले तो आपको पहले दिन में और दूसरे दिन में यही प्रैक्टिस करनी है कि आपका प्रेशर फुट पे पांव ठीक से चले। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो आप कभी शेप के अकॉर्डिंग एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाओगे और सुई टूटने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में शेप मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ मशीन चलाना सीखना है। इसीलिए मैंने डे वन के वीडियो में सिर्फ सीधा सीधा सिलाई चलाने के बारे में ही सिखाया हुआ है कि आपका प्रेशर फुट के ऊपर पैर जो है उसका बैलेंस ठीक हो जाए। अब करते हैं हम नेक्स्ट लाइन। और एम्ब्रॉयडरी में आप हाथ से ही थ्रेड तोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आप कैंची से तोड़ोगे तो क्या होगा कि ये जो इसका थ्रेड है वो निकलने के चांस रहते हैं। अगर हाथ से तोड़ोगे तो वो पूरा जहाँ से फिक्स होगा कपड़े के साथ वहीं से वो टूटेगा। अब हम अब तक यहाँ से ऊपर जा रहे थे, अब ये लास्ट वाली लाइन में हम ऊपर से नीचे आएंगे। एम्ब्रॉयडरी में हमें दोनों तरफ की प्रैक्टिस करनी होगी, नीचे से ऊपर की भी करनी होगी और ऊपर से नीचे की भी करनी होगी।
और जब हम एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं तब एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, हमने जो लाइन ड्रॉ की हुई है वो पूरी फिलअप होनी चाहिए। हमारा शेप जैसा भी है हमें उसी शेप के अकॉर्डिंग जाना है जब हम सीख रहे हैं। आगे जब हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे तब मैं आगे ये भी सिखाऊंगी कि अगर लाइन हमने जैसा भी किया हुआ है पर हमें परफेक्ट शेप लेना है तो वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से डिज़ाइन हमारा जैसे भी बना हुआ है पर जब हम पक्का एम्ब्रॉयडरी करेंगे तब हमें डिज़ाइन परफेक्ट निकलना चाहिए जैसा हमें बनाना था। तो डे 4 के वीडियो में हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे। अभी हमारा ये 2 नंबर पर फिक्स टाँका आ रहा था पर अब डे 4 के वीडियो में हम फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखेंगे जिसमें मैं आपको डिज़ाइन जैसा भी बना हुआ है पर हमें जैसा हमारे पास डिज़ाइन परफेक्ट बना हुआ है उसमें जैसा शेप दिख रहा है वैसा शेप ही हमारे से बने उसकी प्रैक्टिस हम डे 4 में करेंगे। तो मिलते हैं हम डे 4 के वीडियो में।